हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर होम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चार मजेदार अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मैं यहां पर चार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, आपको तो सिर्फ एक लाइक करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। दोस्तों, यह ग्लव्स कट रेसिस्टेंट ग्लव्स है, इसे कितना भी चाकू से काटा जाता है तो कटता नहीं है, यानी हमारे हाथों को चाकू या तेज धार वाली चीजों से कटने से बचाता है। लेकिन क्या होगा अगर इस कट रेसिस्टेंट ग्लव्स पर लगभग एक क्विंटल का कुल्हाड़ी से इस पर वार किया जाए, तब क्या यह कट जाएगा या नहीं कटेगा, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर देखिए, लगभग एक क्विंटल का बड़ा सा कुल्हाड़ी है जिसे मैंने बहुत पहले बनाया था। यहाँ पर इस कुल्हाड़ी को उठा करके और मैं अपना हाथ नीचे रख दूंगा और फिर इस कुल्हाड़ी को छोड़ दूंगा और देखते हैं क्या मेरा हाथ बच पाता है कि नहीं बच पाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए मैं इस ग्लव्स को बाहर निकाल दे रहा हूँ। इधर मुकेश आना, जरा उसको उठाओ तो अलग रखो। बहुत ज्यादा भारी है। अब यहाँ पर मैं सिंपली इस लोहे पर इस तरह से रख दिया हूँ इस ग्लव्स को, और इस बम्बू को इधर घसका लो, आधा आधा वेट हो जाएगा। उठा के और हम लोग इसको काटते हैं और देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 बोलूंगा तब छोड़ना है, और ऊपर से ओके, और ऊपर उठा, 1 2 3। ओ माय गॉड, यहां पर देखिए यह ग्लव्स बिल्कुल भी नहीं कटा हुआ है। ओहो, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देख सकते हैं यहां पर कुल्हाड़ी का धार जो है वो बेंड हो गया, और यहां पर भी, इट मीन्स जो धार है यहाँ पर लग रहा है और यहाँ पर लग रहा है, इस पर बहुत ही कम लगा हुआ है, तो इस पर हमें कुछ चेंजिंग करके काटना होगा। यहाँ पर जो लोहा है वो यहाँ पर उठा हुआ है और यहाँ पर उठा हुआ है, इसीलिए कुल्हाड़ी के नीचे अच्छा से नहीं आया, तो मैं इसका डायरेक्शन इस तरह से कर दे रहा हूँ। और अब देख सकते हैं यहाँ पर उठा हुआ है इसका पार्ट, तो मैं इस तरह से इस ग्लव को रख दे रहा हूँ। अब इस पर कुल्हाड़ी को छोड़ते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। रेडी, 1 2 3। वो माय गॉड, यहां पर देखिए कट रेजिस्टेंट ग्लव्स कट चुका है। ओ बेटे की, इस कुल्हाड़ी के धार के सामने अबे ये क्या हुआ है। तो दोस्तों, देखा आपने, चाकू से काटने के बाद यह ग्लव्स कट नहीं रहा है, लेकिन जब बड़ा सा कुल्हाड़ी के नीचे ये आ रहा है तो कट जा रहा है। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं ले रहा हूँ एल्युमिनियम का केस और इसको साफ कर दे रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड से। अब यह साफ हो चुका है, तो इसके ऊपर मर्क्यूरी मेटल में से थोड़ा सा रख दे रहा हूँ। अब देखिए इसका क्या होता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए स्टिक फाइल का प्लास्टिक। अब इसे कुछ इस तरह से मोड़ लेना है। अब जहां पर मैं लगा दे रहा हूं टेप, अब हमारा यह एक छोटा सा पाइप के जैसा तैयार हो चुका है, इसको मैं यहां से सिंपली काट ले रहा हूं। अब मैं इसमें 500 राउंड कॉपर वायर लपेट दे रहा हूं। अब मैं इसे लपेट लिया हूं तो देख सकते हैं 2 कॉपर का वायर निकल चुका है। अब इसमें रहता है इंसुलेशन, तो इसमें मैं आग लगा करके इसके इंसुलेशन को जला दे रहा हूं। अब मैं इस छोटे से एलईडी बल्ब को इस वायर में कनेक्ट कर दे रहा हूं। यहां पर देख सकते हैं अब यह कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है, तो मैं इसके अंदर न्यूडीनियम मैग्नेट डाल दे रहा हूं। यहां पर देखिए, जैसे ही मैं इसको हिला रहा हूं तो इसमें जो एलईडी लगा हुआ है वो ग्लो करने लग रहा है। यहां पर देखिए कितना ही तेज मैं हिला रहा हूं, उतना ही ग्लो कर रहा है। ओ माय गॉड, अब मैं पूरा ताकत लगा दिया हूं। तो दोस्तों, देखा आपने, इस मैग्नेट को जब मैं इसके अंदर हिला रहा हूं तो
तो यह छोटा सा बल्ब ग्लो करने लग रहा है। ऐसा इसलिए जब मैं इसके अंदर इस मैग्नेट को हिला रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और जिससे इस क्वाइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है और हमारा यह बल्ब ग्लो करने लग रहा है। ये दुनिया का सबसे सिंपल जनरेटर है। इसी कंसेप्ट का यूज करके दुनिया का सबसे पहला जनरेटर भी बनाया गया था। आप भी इसे बना करके घर पर ट्राई कर सकते हैं। जब आप रात में रोड पर निकलते हैं और लाइट जब पड़ता है कुछ इस तरह की चीज पर, तो उसमें लाइट ग्लो करने लगता है, उसमें लगा हुआ रहता है प्रिज्म, जिससे उसमें लगता है कि इसके अंदर से लाइट निकल रहा है लेकिन उसमें रिफ्लेक्शन होता है। उसी तरह का चीज मेरे पास ये टेप है। इस टेप को मैं अपने बॉडी में लगा लेने वाला हूँ और फिर इसी चीज को रात में देखते हैं कि यह लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, और रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कैसे दिख रहा है। यहाँ पर अब मेरे बॉडी में पूरी तरह से यह टेप लग चुका है। अब चलते हैं रोड पर और फिर देखते हैं कैसा दिखता है लाइट आने के बाद। अभी मैं इस बीच रोड पर खड़ा हूँ और देख सकते हैं लाइट रिफ्लेक्ट कर नहीं, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं तो खुद पहना हूँ लाइट, मुझे नहीं पता चल रहा है कि ग्लो कर रहा है या नहीं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग साइंस वीडियोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।